Hello friends, welcome to Study for Civil Services. Today is 1st of April 2019 and guys, current affairs ka ye all-in-one video hai. Yahan par hum log kaafi sare newspaper jaise ki the Hindu, PIB, Indian Express, Times of India jaise kai sare newspaperon ke current affairs ko discuss karte hain aur na hi sirf current affairs guys, ek hi video mein hum log editorial ko bhi discuss karte hain aur video ke end mein kuch multiple choice questions ki bhi practice karte hain. गाइज अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज यहाँ पर सिर्फ वही न्यूज़ डिस्कस की जाती है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट होती है. ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को हमारे पेड कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ. यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और काफ़ी सारे स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं. गाइज इसके अलावा हमारे कई सारे ऑप्शनल कोर्सेज भी हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं. हमारे पेड कोर्सेज में हम लोग आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं जैसे कि आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, वॉइस मैसेजेस के थ्रू आपकी क्वेरी सॉल्व की जाती है, आपको पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है और समय समय पर स्ट्रैटेजी शेयर की जाती है कि किस प्रकार से एग्जामिनेशन को क्रैक करना है. एंड गाइस पेड कोर्सेज से रिलेटेड जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप या फिर कॉल करके या फिर इवन टेलीग्राम के थ्रू मैसेज करके भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. और जो अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं करंट अफेयर्स का ऑल इन वन वीडियो, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ भी हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड कराते हैं बट वो सिर्फ हमारे पेड कोर्सेज मेंबर के लिए ही अवेलेबल होती है. दोस्तों सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स और एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे और फिर वीडियो के एंड में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. दोस्तों पहली न्यूज में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेशन के बारे में. तो गाइज न्यूज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि गाइज कभी भी जब भी न्यूज़ में अगर आप देखते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग से रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है कि कौन से प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है प्रोडक्ट्स में, यानी कि जैसे कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, इसके अलावा कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हैंडलूम्स प्रोडक्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जिनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है. तो ऐसी न्यूज़ में गाइज क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, तो इसमें जिस भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है उसका नाम आप लोग को याद रखना रखता है, प्रोडक्ट और उसकी लोकेशन क्या होती है, ये दोनों चीज आप लोग को ध्यान में रखनी होती है बिकॉज एग्जामिनेशन में प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट की लोकेशन पूछी जा सकती है. और इस न्यूज में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इंडियन कॉफी की 5 वैरायटीज को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेशन जो है वो दिया गया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा. आप देखिए देखिए जैसे 5 वैरायटीज हैं इंडियन कॉफी की, इनको ये सर्टिफिकेशन मिला है. तो पहले तो हम लोग को 5 कॉफी के नाम पता होना जरूरी है और ये 5 कॉफी जो है वो कौन सी लोकेशन पर लोकेटेड है, कौन सी लोकेशन पर उगाई जाती है, इसके बारे में हम लोग को पता होना जरूरी है क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ये एग्जामिनेशन पूछी जा सकती है. और यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी गाइस इससे रिलेटेड मैच द फॉलोइंग ये क्वेश्चन बनाती है. इसमें आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि क्योंकि देखिए इसमें आपको एक कॉलम में लिख दिया जाएगा, ए कॉलम और बी कॉलम दिए जाएंगे, एक कॉलम में पूरे कॉफी के नाम, बी कॉलम में पूरे कॉफी के लोकेशन लिख दी जाएंगी. तो आपको मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड चीजें पता होना जरूरी है. तो ये मैं पहले स्पेसिफिकली इसलिए बता रहा हूं, देखिए एक तो 5 वैरायटीज भी हैं. इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अक्सर जो है वो मेन चीज जो है वो छोड़ देते हैं और फालतू की चीज जो है वो रट लेते हैं. तो इसीलिए ये ऐसी चीजें जो है वो आप लोग को नहीं करनी है, आपको स्पेसिफिकली कॉफी का नाम याद रखना है, रटना है बिल्कुल याद नहीं रटना है और उसकी लोकेशन रटनी है. ठीक है, तो इसमें कौन सी 5 कॉफीज की वैरायटीज हैं जिनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो दिया गया है. तो पहली कॉफी का नाम है कूर्ग अराबिका कॉफी. तो ये कूर्ग अराबिका कॉफी जो है वो कहां पर उगाई जाती है, तो कर्नाटका की कोडुगु डिस्ट्रिक्ट में ये हम लोग को देखने को मिलती है, कोडागु डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक की उगाई जाती है. दूसरी कॉफी है व्यानाद रोबुस्टा कॉफी. तो ये व्यानाद डिस्ट्रिक्ट जो है केरला के ईस्टर्न पोर्शन पर हम लोग को देखने को मिलती है, वहां पर उगाई जाती है. अब देखिए इसमें एक चीज़ और मुझे आप लोग को बतानी है, कई सारे हमारे जो व्यूअर्स होंगे गाइज वो क्या चीज़ करेंगे, स्मार्ट स्टडी के नाम पर ये रट लेंगे व्यानाद और व्यानाद रट लेंगे, व्यानाद डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, तो ये चीज़ रट लेंगे, उनको पता होगा कि यार व्यानाद रोबस्टा कॉफी होगी तो ये व्यानाद डिस्ट्रिक्ट में उगाई जाएगी और व्यानाद डिस्ट्रिक्ट हम लोग जानते हैं कहाँ पर है, केरला में है. तो ये चीज़ मत रटिएगा, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको मेन चीज़ ये पूछी जा सकती है रोबस्टा, कि रोबस्टा कॉफी जो है वो कहाँ उगाई जाती है. अगर ये पूछ लिया तो आप गाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं, आता हुआ क्वेश्चन जो है वो छूटा जा सकता है. तो ऐसा नहीं करना है हम लोग को, रोबस्टा पूरा याद करिए, रटिए मैं बोल रहा हूँ आपसे क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन डेफिनेटली पूछेगी. तो ये हो गई 2 कॉफी. तीसरी कॉफी का नाम है चिक मगालूर अराबिका कॉफी, चिक मगालूर अराबिका कॉफी. तो ये कहाँ पर है, चिक मगालूर डिस्ट्रिक्ट जो पड़ती है कर्नाटका की, यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलती है, कर्नाटका का जो मलनाड रीजन है गाइस यहाँ से ये बिलोंग करती है ये डिस्ट्रिक्ट, चिक मगालूर डिस्ट्रिक्ट. ये डेक्कन प्लेटू पर सिचुएटेड है, कर्नाटका के में हम लोग को देखने को मिलती है. तो ये अराबिका कॉफी जो है वो तीसरी हो गई. अब एक होती है अराकू वैली अराबिका कॉफी. अराकू वैली काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे कई सारे ट्राइबल ग्रुप्स हम लोग को देखने को मिलते हैं. तो ये कहाँ पर है गाइस, ये आंध्र प्रदेश और ओडिशा रीजन पर हम लोग को ये कॉफी देखने को मिलती है, अराकू वैली अराबिका कॉफी. ये विशाखापट्टनम की विशाखापट्टनम जो डिस्ट्रिक्ट है गाइस उसके हिली ट्रैक्स पर दिखाई देती है, हिली एरियाज जो है वहाँ पर ये कॉफी जो है वो उगाई जाती है.
गाइज इस कॉफी की खासियत ये है कि ये एक ऑर्गेनिक अप्रोच जो है ये फॉलो करते हैं यहाँ के ट्राइबल ग्रुप्स. यहाँ पर कई सारे ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, इस कॉफी को उगाने के लिए ये एक ऑर्गेनिक अप्रोच जो है वो फॉलो करते हैं. ऑर्गेनिक का मतलब हम लोग को पता है कि जहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग नहीं किया जा रहा. तो इस कॉफी को उगाने के लिए पूरे ऑर्गेनिक मैन्यूअर्स का यूज़ किया जाता है, किसी भी प्रकार के केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं किया जाता. ग्रीन मैन्यूरिंग होती है और इसमें जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं वो पूरी की पूरी जो होती है वो ऑर्गेनिक होती है. तो ऑर्गेनिक पेस्ट प्रैक्टिस भी हम लोग को देखने को मिलती है इसमें, राइट. पेस्ट वगैरह जो होते हैं, कीड़े मकोड़े जो लग जाते हैं प्लांट्स वगैरह में, उसको भगाने के लिए भी किसी प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी उपयोग नहीं किया जाता. तो कंप्लीटली ऑर्गेनिक नेचर है गाइज इस पर्टिकुलर कॉफी के प्रोडक्शन का. तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इस कॉफी की एग्जामिनेशन में आने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक नेचर वाली कॉफी है तो ये डेफिनेटली पूछी जा सकती है. तो ये रट लीजिए इसको, अराकू वैली अराबिका कॉफी. अराकू वैली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा रीजन में उगाई जाती है, ठीक है. इसके अलावा बाबा बुदानगिरीस अराबिका कॉफी, बाबा बुदानगिरीस अराबिका कॉफी, तो ये कहाँ पर उगाई जाती है गाइस? तो ये कॉफी का जो बर्थ प्लेस है कर्नाटका, कॉफी का बर्थ प्लेस, तो वहां पर जो है ये उगाई जाती है. यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में ये कॉफी जो है वो उगाई जाती है, हम लोग को देखने को मिलता है. और इस कॉफी में गाइस अलग टाइप का टेस्ट होता है, थोड़ा सा स्पेशल टेस्ट होता है, दूसरी कॉफी से डिफरेंट टेस्ट हम लोग को इस कॉफी में देखने को मिलता है. और अरोमा यानी कि खुशबू जो होती है इसकी कॉफी की वो भी काफी डिफरेंट होती है. तो इसीलिए ये कॉफी जो होती है वो दूसरी कॉफी से थोड़ी सी डिस्टिंक्ट हम लोग को देखने को मिलती है, अलग टाइप की देखने को मिलती है. और ये ज्यादातर जो है हम लोग को इसी एरिया में देखने को मिलती है, उगाई जाती है. बाबा बुदानगिरीस अराबिका कॉफी कर्नाटका एरिया में हम लोग को देखने को मिलती है, जो चिक मगालूर डिस्ट्रिक्ट है. चिकमगालूर डिस्ट्रिक्ट में एक चिकमगालूर अराबिका कॉफी भी होती है, तो वहीं पर ही इसी पर्टिकुलर रीजन में कर्नाटका के ये वाली कॉफी भी उगाई जाती है. तो ये चीज याद में रखना है आप लोग को, ठीक है. दोस्तों थोड़ी सी बात करेंगे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में. तो इसमें दोस्तों सबसे पहली चीज तो ये समझिए कि किस प्रोडक्ट को ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है. तो इसमें ये उसी प्रोडक्ट को दिया जाता है जिस प्रोडक्ट का ओरिजिनेशन प्रोडक्शन जो है वो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल टेरिटरी या एरिया पर ही हो, एक स्पेसिफिक एरिया पर. इसलिए मैंने आपको बोला था कि लोकेशन और प्रोडक्ट ये दोनों चीज़ को रटना है हम लोगों को, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो इस लोकेशन के अलावा जिस लोकेशन पर ये उगाया जाता है पाया जाता है उस लोकेशन के अलावा कहीं और नहीं मिलेगा. जैसे कि हमने बात करी अभी इसके बारे में, कॉफ़ीज के बारे में, तो 5 वेराइटीज़ ऑफ कॉफ़ीज़ देखी हमने. हर एक कॉफ़ी जो है वो एक दूसरे से अलग है और दूसरी रेस्ट ऑफ द कॉफ़ी से भी अलग है, उसका एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स उन कॉफ़ी का देखने को मिलता है. इसमें हम लोग ने डिस्कस किया एक अराकू वैली अराबिका कॉफ़ी के बारे में. तो आप सभी जानते हैं अराकू वैली अराबिका कॉफ़ी जो है हमने अभी पढ़ा कि वो ऑर्गेनिक नेचर की है. वहाँ पर किसी उस कॉफ़ी के प्रोडक्शन में किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं किया जाता, ऑर्गेनिक तरीके से उस कॉफ़ी को जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, राइट. तो पूरी इंडिया में कोई और कॉफ़ी ऐसी नहीं है जिसको ऑर्गेनिक तरीके से प्रोड्यूस किया जाए, अभी तक हम लोग को नहीं देखने को मिला. सेकेंडली ये अराबिका कॉफ़ी जो हम लोग को देखने को मिलती है, अराकू वैली अराबिका कॉफ़ी, ये एक स्पेसिफिक लोकेशन पर ही उगाई जाती है. कौन सी लोकेशन? विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट पे, विशाखापट्टनम के जो हिली ट्रैक्ट्स है तो वहाँ पर ये उगाई जाती है ना. अभी हम लोग ने पूरी बात करी. वैसे ही कई जैसे दूसरे दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं उनका एक एरिया स्पेसिफिक होता है. बनारस की साड़ी एरिया स्पेसिफिक है बिल्कुल. ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है कि वो एक सिर्फ उसी लोकेशन पर ही उनका प्रोडक्शन हो सकता है, उसी लोकेशन पर ही वो मैन्युफैक्चर हो सकते हैं या फिर उसी लोकेशन पर ही वो उगते हैं या उगाए जा सकते हैं. और एक बार किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिल गया तो उस प्रोडक्ट की कोई और कॉपी नहीं कर सकता है, यानी कि उस प्रोडक्ट के को जो है वो किसी और एरिया पर कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता है. तो ये भी होता है कि दूसरे प्रोड्यूसर जो होते हैं वो उस प्रोडक्ट को मिसयूज नहीं कर सकते, यानी कि देख लिया कि अरे यार इस प्रोडक्ट की तो इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, क्योंकि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग बढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली एक रिकॉग्नाइजेशन उस प्रोडक्ट को मिल जाता है. अब जैसे ही रिकॉग्नाइजेशन उस प्रोडक्ट को मिलता है तब क्या होता है, उस प्रोडक्ट की प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं, राइट. कॉस्टली हो जाता है थोड़ा सा वो प्रोडक्ट, लोग उसको खरीदने लगते हैं, एक अट्रैक्टिव प्रोडक्ट बन जाता है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कई सारी कॉफीज के बारे में, तो आपकी भी इच्छा हुई होगी यार एक कॉफी पी लें, कॉफी मंगा लें वाली, देखें तो जरा कैसा टेस्ट है उसका, एक स्पेशल उसकी खुशबू तो सूंघें कैसी खुशबू है उसकी, राइट. एक अलग स्पेशल अरोमा उसमें हम लोग को देखने को मिला उस कॉफी में. तो आप उसके लिए उस कॉफी को परचेज करने की कोशिश करेंगे और ऑटोमेटिकली उस कॉफी की इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी, तो उस कॉफी की प्राइस भी बढ़ेगी, राइट. तो इसमें क्या होगा, दूसरे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो चीट करने की कोशिश करेंगे, वो सेम कॉफी को जो है वो दूसरे लोकेशन पर उगाने की कोशिश करेंगे, उसके आसपास के दूसरे एरियाज पर. देखिए ऐसा तो नहीं होगा कि कॉफी जो है वो वहाँ पर उगा ली जाए जम्मू एंड कश्मीर पर, तो पॉसिबल ही नहीं है, कि क्लाइमेटिक सिचुएशन की भी आवश्यकता होती है. तो कॉफी को छोड़ देते हैं चलो, कि जिसमें क्लाइमेटिक उसकी जरूरत ना हो, हम लोग बात कर लेते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में. जैसे कि साड़ी होती है, साड़ी को भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है. ऐसे कई सारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं जिनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है.
तो ऐसे प्रोडक्ट को जैसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिल जाता है, तब क्या होता है कि दूसरे प्रोड्यूसर्स को लगता है यार हम भी ऐसे प्रोडक्ट बना लेते हैं, चलो राइट कोशिश कर लेते हैं, सीख लेते हैं ऐसे प्रोडक्ट बनाने की, फिर हम लोग उसको बेचेंगे। तो ऐसा नहीं हो पाता। एक बार किसी प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिल जाता है तो उस प्रोडक्ट को जो है गाइस पूरी प्रोटेक्शन होती है, प्रोटेक्शन दी जाती है कि कोई भी दूसरा प्रोड्यूसर जो है उसका मिसयूज ना करे, उस प्रोडक्ट की कॉपी ना करे और उसी नाम से उस प्रोडक्ट को बेचे ना। जैसे कि बासमती राइस, बासमती राइस हम लोग को देखने को मिलता है गाइस कि वो राइस जो है गाइस उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है, उसको प्रोटेक्शन मिली है कि बासमती राइस जो है गाइस उसको कोई और प्रोड्यूसर नहीं बेचेगा, वो नहीं उगाई जाएगी कहीं और उस नाम से कहीं कोई और जो है वो उसको नहीं बेच सकता। तो ये कुछ हम लोग को देखने को मिलता है कि प्रोटेक्शन मिलते हैं और इसमें कस्टमर्स को भी गाइस प्रोटेक्शन दिया जाता है, कंफर्ट दिया जाता है कि कस्टमर्स जो है गाइस वो मार्केट में जो है वो चीट ना हो सके। इसमें क्या होता है, कस्टमर जो है उनको प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी का जो है गाइस वो कंफर्ट मिल जाता है कि प्रोडक्ट जो है वो जेन्युइन है, उस चीज़ की गारंटी जो है वो कस्टमर को मिल जाती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के होने से। तो ये इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस, इसका सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें गाइस क्या होता है कि जो जैसे ही नाम मिलता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को, तो उसमें उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और डिस्टिंक्टिवनेस जो होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक उसका दूसरे से अलग जो होता है, उस चीज़ को अश्योर किया जाता है कि उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, किसी भी प्रकार की उसकी क्वालिटी में जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, राइट। तो ये वाली चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है और ये पूरी ओवरऑल चीज़ जो होती है इसके रिगार्ड में, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के रिगार्ड में गाइस, ये कवर की जाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हम लोग को देखने को मिलती है इंटरनेशनल लेवल पर, पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंडर और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है गाइस वो उसको इंटरनेशनल लेवल पर गवर्न करती है। और साथ ही साथ इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 जो है वो इसको एडमिनिस्टर करती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को। ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। और फ्रेंड्स इसमें जो होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रोडक्ट को जो है वो प्रोटेक्शन दिया जाता है, रिकॉग्नाइजेशन मिलता है सर्टिफिकेशन के थ्रू, अलाउ किया जाता है। जैसे अभी कॉफ़ीज़ की बात कर रहे हैं तो अभी कॉफ़ी की जो बात हुई तो कॉफ़ी के सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, तो जितने भी कॉफ़ी प्रोड्यूसर्स हैं गाइस मतलब इस कॉफ़ी को प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगा गाइस कि वो इन्वेस्ट कर सकेंगे उस कॉफ़ी की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, जो मैंने भी आपको बताया। सेकेंडली यहाँ पर हम लोग को ये भी देखने को मिलेगा गाइस कि पूरी दुनिया भर में जो है वो इस कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे मैंने अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इतनी सारी कॉफ़ीज़ के बारे में, तो जैसे कि बाबा बुडांगिरी जराबे का कॉफ़ी, इसको पीने का आपका भी मन कर रहा होगा कि देखें तो यार कैसा टेस्ट है इसका, क्या है ना, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, डिस्टिंक्ट है, तो इसलिए पूरी दुनिया भर में से इसके ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं और इसके प्राइजेस जो होते हैं गाइस वो बढ़ते हुए नजर आते हैं, राइट। तो ये चीज़ इससे भी फायदा होता है वहाँ के प्रोड्यूसर्स वगैरह को और प्रोटेक्शन भी मिलती है कि कोई और दूसरा प्रोड्यूसर जो है वो उसकी कॉपी ना कर सके। सेकेंडली गाइस इंडिया में कॉफ़ी जो है वो कॉफ़ी का कल्टीवेशन हम लोग को देखने को मिलता है करीब 4.54 लाख हेक्टेयर एरियाज पर और करीब 3.66 लाख कॉफ़ी फार्मर्स जो हैं वो इंडिया में हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिनमें से 98% कॉफ़ी फार्मर्स जो हैं वो स्मॉल फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं, स्मॉल फार्मर्स छोटे फार्मर्स। कॉफ़ी कल्टीवेशन जो है गाइज वो मेनली सदर्न स्टेट्स में हम लोग को देखने को मिलती है, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा होती है 54%, इसलिए बर्थ प्लेस ऑफ कॉफ़ी जो है वो कर्नाटका बोला जाता है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा 54% कॉफ़ी का प्रोडक्शन जो है वो कर्नाटका में होता है, फिर केरला में 19%, फिर तमिलनाडु में 8% हम लोग को देखने को मिलता है। और इंडिया जो है गाइज वो इकलौती ऐसी कंट्री पूरी दुनिया भर में देखने को मिलती है जहाँ पर पूरा कॉफ़ी कल्टीवेशन जो है वो शेड हैंडपिक्ड और सन ड्राइड के थ्रू हम लोग को देखने को मिलता है, इस प्रकार से उगाई जाती है, शेड हैंडपिक्ड और सन ड्राइड, यानी कि किसी भी प्रकार का यहाँ पर हम लोग को हैवी मशीनरीज की आवश्यकता नहीं होती है कॉफ़ी प्रोडक्शन में। जैसे कि आपने टी की भी बात करें तो टी में भी हम लोग को ये सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है, आसाम वगैरह की अगर बात करें तो टी में आपने देखा होगा गाइस कि टी जो है आपने फोटोज़ वगैरह देखे होंगे कि पीछे जो है वो टोकरी लगी रहती है, राइट, और लोग जो है वो पत्ते तोड़ रहे होते हैं टी वगैरह के, जो फार्मर्स वगैरह होते हैं, तो हैंडपिक पूरी चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है, हाथों से पूरा काम किया जाता है, तो ये वाली चीज़ है, किसी प्रकार की मशीनरी का उपयोग नहीं है। तो इंडिया इसलिए भी जो है वो पूरी वर्ल्ड में इस प्रकार से भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। सो दिस इज द ओवरऑल टॉपिक, आई होप कि आपको पूरी चीज़ अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, पहली चीज़ तो ये बताओ यार किस किस को कौन सी कॉफ़ी अच्छी लगती है। जैसे मुझे एस्प्रेसो जो है वो बहुत पसंद है तो ये नीचे कमेंट बॉक्स पर अभी के अभी वीडियो को पॉज करके बताओ। दूसरी चीज़ एक आपको ये बतानी है कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, तो गाइज इसका नाम जो है वो अभी रिसेंटली रीनेम किया गया है, इसका नाम पहले कुछ और था, तो आपको मुझे बताना है कि इसका पहले प्रीवियस वाला नाम जो है वो क्या था। कई बार हम लोगों ने उस नाम को भी यहाँ पर बात करी है, तो DPIIT जो है इसका नाम चेंज किया गया है, इससे पहले इसका नाम क्या था ये आपको अभी के अभी वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताना है। ओके,
दोस्तों अब इस न्यूज की बात करते हैं तो बताया जा रहा है कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस नेटवर्किंग पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है तेलंगाना स्टेट ग्लोबल लिंकर। तो गाइज ये वेबसाइट हम लोग को तेलंगाना की तरफ से देखने को मिल रही है, ये जो तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो लॉन्च करी है। इस पोर्टल का, इस वेबसाइट का मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के बिजनेस की ग्रोथ करवाना सिंपलर तरीके से, ज़्यादा प्रॉफिटेबल तरीके से और ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो ये अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकें। तो इसी के लिए ये एक पोर्टल जो है नेटवर्किंग पोर्टल की शुरुआत करी है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। तो दोस्तों इस वेबसाइट से जो है वो क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है एमएसएमई मेंबर्स को, तो पहली चीज़ तो गाइस डिजिटलाइजेशन होने की वजह से एक नेटवर्किंग बिल्डअप हो जाएगी, राइट, कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को जो है गाइस बायर्स और सप्लायर्स को जो है वो रीच कर सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस को जो है गाइस ग्रो कर सकेंगे। तो एक बेहतर एफिशिएंसी, बिजनेस एफिशिएंसी टूल ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसमें ई कॉमर्स स्टोर होगा, ई कॉमर्स स्टोर होने की मदद से ज़्यादा से ज़्यादा जो बायर्स जो है गाइस वो परचेज कर सकेंगे यहाँ से डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स को, राइट। और ये ग्लोबल रीच भी कर सकेंगे दूसरे, यानी कि जितने भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं ये पूरी दुनिया भर के जितने भी लोग हैं गाइज उनसे कनेक्ट हो सकेंगे, डीलर्स वगैरह से कनेक्ट हो सकेंगे, मैन्युफैक्चरर्स से कनेक्ट हो सकेंगे, अपने बिजनेस को जो है वो ग्रो कर सकेंगे। ये जो है वो आईटी प्लेटफॉर्म जो है वो एक डिजिटल प्रोफाइल भी क्रिएट कर देगा उनके बिजनेस की, जिससे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अब इसमें देखिए आप ये वाला पॉइंट जो है ये समझने वाला है कि ग्लोबल एमएसएमई से कैसे कनेक्ट हो सकेंगे। देखिए गाइज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस में हम लोग को देखने को मिलता है कि कई सारे ऐसे इंटरप्राइजेस होते हैं गाइज जो कि असेंबलिंग का काम करते हैं, यानी कि वो अलग अलग जगह से प्रोडक्ट जो है गाइज वो परचेज करते हैं और वो फिर वो असेंबल करके वो प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इनको वैराइटीज ऑफ डीलर जो है वो मिल जाएंगे और पूरी दुनिया भर के डीलर्स, ग्लोबल रीच इनके पास होगी, जिसके चलते गाइज की इनको जहां पर भी बेनिफिट मिलेगा उस डीलर से ये कनेक्ट करेंगे और इनकी अगर डील बैठ जाती है तो ये दोनों मिलकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी हम लोग को देखने को मिलेगा, तो पूरी दुनिया भर को कवर करेंगे, एक ज़्यादा लार्ज अप्रोच जो है वो इनको देखने को मिलेगी। अप टू डेट इंडस्ट्री ट्रेंड और न्यूज़ जो है गाइज इनको मिलती रहेगी समय समय पर, बिकॉज आज की डेट में टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज होती नजर आ रही है, ट्रेंड जो है वो फटाफट चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, राइट। तो उसमें उसके साथ कोप अप करने के लिए, उसके साथ नेक टू नेक चलने के लिए जो है एमएसएमई जो है वो काम कर सकेंगे, जिसमें अल्टीमेटली फायदा जो है वो उनके बिजनेस की ग्रोथ का हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। तो ये काफ़ी शानदार इनिशिएटिव जो है ये तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को देखने को मिला है। याद रखिएगा तेलंगाना स्टेट ग्लोबल लिंकर, तो ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की एक वेबसाइट हम लोग को देखने को मिल रही है, एक पोर्टल देखने को मिल रहा है जो कि हेल्प करेगा एमएसएमई की के बिजनेस की ग्रोथ के लिए, राइट। दोस्तों अब इस न्यूज़ में हम लोग बात करेंगे IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज के बारे में। तो गाइज IUCN की रेड लिस्ट में कौन सी स्पीसीज मौजूद होती हैं, तो हम लोग को देखने को मिलता है कि वो स्पीसीज प्लांट्स और एनिमल्स की यहाँ पर मौजूद रहती हैं जिनके एक्सटेंशन के रिस्क जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि जिनके लुप्त होने के रिस्क जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। और फ्रेंड्स इस लिस्ट में जितने भी स्पीशीज मौजूद रहते हैं गाइज उनको ग्लोबल प्रोटेक्शन की बात की जाती है, ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस उनको मिलता है कि ग्लोबली पूरी दुनिया भर में उनको प्रोटेक्ट किया जाए। और IUCN की रेड लिस्ट को गाइज सभी कंट्रीज जो है वो रिकॉग्नाइज करती हैं और इसको एज अ मोस्ट ऑथोरिटेटिव गाइड जो है वो मानती हैं बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के स्टेटस का, मोस्ट ऑथोरिटेटिव गाइड इसकी इस लिस्ट के ऊपर ट्रस्ट किया जाता है कि ये लिस्ट जो है इसमें जो लिखी हुई जो स्पीशीज हैं, इसमें जो मौजूद जो स्पीशीज हैं उन स्पीशीज को प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। और इस लिस्ट को इसलिए ट्रस्ट किया जाता है बिकॉज वी नो दैट कि गाइज इसमें सिनेरियो हम लोग को फूड साइकिल का देखने को मिलता है। आपको अगर फूड साइकिल के बारे में पता होगा, जैसे आप जानते हैं कि प्लांट्स हैं गाइज, प्लांट को एनिमल खाते हैं, छोटे स्पीसीज खाते हैं, फिर उनको उससे बड़े स्पीसीज खाएंगे, फिर उन एनिमल को कोई और एनिमल खाएगा, फिर इस प्रकार से पूरा एक फूड चेन साइकिल जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। इस बीच में अगर एक फूड चेन साइकिल जो है गाइज अगर लुप्त हो गया, एक्सटेंट हो गया, तो जो पीछे वाले उसके फूड चेन साइकिल हैं गाइज उनको बहुत बड़ी हानि पड़ सकती है, राइट। तो ऐसी चीज़ें ना हो इसके लिए ये मेंटेन करने की आवश्यकता होती है, एक बायोलॉजिकल बैलेंस बनाने की आवश्यकता होती है। और IUCN की रेड लिस्ट को जो है गाइस वो ट्रस्ट किया जाता है इसकी एनालिसिस के ऊपर, इसकी अप्रोच के ऊपर, क्योंकि ये जिस प्रकार से ये अपनी अप्रोच रखती है, जिस प्रकार से ये स्पीसीज को एनालाइज करती है, तो इसके ऊपर जो है वो सभी कंट्री जो है वो ट्रस्ट करती हैं। और ग्लोबल लेवल पर कंजर्वेशन स्टेटस जो है किसी भी प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज का वो इसी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और फिर सभी कंट्रीज जो होती हैं गाइस उनको बताया जाता है, रेड लिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि IUCN की रेड लिस्ट ने इस पर्टिकुलर फलाना स्पीशीज को जो है वो लिस्ट में ऐड कर लिया है। तो जिस जिस कंट्री में वो स्पीशीज मौजूद होती हैं उन कंट्री का दायित्व होता है
कि उस पर्टिकुलर स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया जाए, कंजर्व किया जाए। आई होप कि आपको पूरी चीज क्लियर हुई होगी इससे रिलेटेड। और इसमें गाइस क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया जो है वो यूज करती है IUCN। IUCN के सिस्टम में हम लोग को 5 क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया देखने को मिलते हैं। आप देखिए क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि ये पूरी चीज जो होती है वो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है। एक्सटेंट होने का मतलब क्या होता है, लुप्त होने का मतलब क्या होता है, कि उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। जैसे कि टाइगर्स की पॉपुलेशन कम हो रही है राइट, और वो उनकी पॉपुलेशन इतनी कम ना हो जाए कि वो लुप्त हो जाए, उससे पहले ही एक्शन ले लिया जाए उनको प्रोटेक्ट करने का। तो ये पूरी इसकी ओवरऑल अप्रोच रहती है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी अब इससे रिलेटेड। अब इसमें जो 5 क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया की बात की जा रही है उसमें एक एक करके देखते हैं कौन से क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया है। तो रेट ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन, उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने के क्या रेट चल रहा है, यानी कि क्या रेट है, कितनी तेजी से उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। ज्योग्राफिकल रेंज, किस किस एरिया में कौन से स्पीसीज देखने को मिल रहे हैं और कौन से एरिया में उनकी पॉपुलेशन कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि स्पीसीज जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में जो है वो मौजूद रहते हैं, और किस किस जगह पर कौन से स्पीसीज हैं और किस जगह पर उन स्पीसीज की पॉपुलेशन कम हो रही है, तो उस पर भी फोकस किया जाता है। वेदर द स्पीसीज ऑलरेडी पोजेस अ स्मॉल पॉपुलेशन साइज, क्या वो स्पीसीज जो है वो ऑलरेडी काफ़ी कम पॉपुलेशन साइज जो है उनका हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्या वो पहले से ही काफ़ी कम है, वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस नहीं करते, क्या ऐसी भी स्थिति है, तो उसको भी इंश्योर किया जाता है, चेक किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। फिर वेदर द स्पीसीज इज वेरी स्मॉल और लिव्स इन अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया, क्या वो स्पीसीज बहुत ही छोटे हैं और वो क्या बहुत ही कम एरिया में रह रहे हैं, तो ये चीज़ भी एनालाइज की जाती है। वेदर द रिजल्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, अब जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस का रिजल्ट है क्या वो इंडिकेट कर रहा है हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड, ये जो रिजल्ट है इसका पूरी इन्होंने अप्रोच लगाई और इसका जो रिजल्ट है क्या वो ये साइन दे रहा है, क्या ये इंडिकेशन दे रहा है कि इनके एक्सटेंशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है वाइल्ड में राइट, तो ये चीज़ भी फोकस की जाती है। फिर उसके बाद जो है गाइज ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है और इन्हीं की रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड जो जिस कंट्री में जो स्पीसीज मौजूद होती हैं और जिनके लुप्त होने की कगार बहुत तेजी से बढ़ती रहती है, तो वो कंट्री जो होती है फिर वो इनकी अप्रोचेस जो है गाइज उनको एक्सेप्ट करती है और फिर उस हिसाब से पॉलिसीज बनाती है उस स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए राइट। इसके चलते हम लोग को देखने को मिलता है कि साइंटिस्ट जो है वो फिर एनालाइज करते हैं कि किस प्रकार से उन स्पीसीज जो है उनके परसेंटेज जो है उसको इंक्रीज किया जाए, उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जाए और किस प्रकार से पूरी ओवरऑल चीज़ को मैनेज किया जाए, वो पूरी ओवरऑल चीज़ जो है वो डिसाइड की जाती है साइंटिस्ट वगैरह के द्वारा इस रिपोर्ट के रिजल्ट के ऊपर बेस्ड राइट। और IUCN की रेड लिस्ट जो है गाइस इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि ये फोकस में लेकर आती है कि धरती में कौन सी स्पीसीज जो है वो डिक्लाइन होती हुई नजर आ रही है। जैसे कि फूड साइकिल की जो मैंने अभी आपको बात करी थी उसमें अगर स्पीसीज डिक्लाइन होती हुई नजर आएंगी तो रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द स्पीसीज को भी बहुत इसका असर जो है वो पड़ता हुआ हम लोग को देखने को मिलेगा, तो ये वाली चीज़ भी हम लोग को देखने को मिलती है। और ये डायरेक्टली गाइस ह्यूमंस लाइफ को इन्फ्लुएंस भी करती है और पूरी ओवरऑल चीज़ को इन्फ्लुएंस करती है, बिकॉज ये पूरी ओवरऑल चीज़ है फूड साइकिल के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर फूड साइकिल में कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑब्वियस ही बात है गाइज कि लोग जो है वो धीरे धीरे करके एक्सटेंड होने लगेंगे, इवन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, क्योंकि हम लोग भी गाइज डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट्स एनिमल्स स्पीसीज पे राइट। तो ये वाली चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। IUCN की रेड लिस्ट की कैटेगरीज हम लोग को कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है। हमने कई सारी इसकी कैटेगरी जो होती है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखता है ये, यानी कि नॉट इवेल्युएटेड से लेकर एक्सटेंशन, यानी कि जो स्पीसीज है किस पर ध्यान नहीं देना है, किसकी पॉपुलेशन पर और किस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, यानी कि कौन सी स्पीसीज जो है जिनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है और कौन सी स्पीसीज जो है वो बिल्कुल ही लुप्त होने वाली है, तो इनके ऊपर बेस्ड इसकी पूरी कैटेगरीज हम लोग को देखने को मिलती है। जैसे कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्नरेबल और इसके अलावा थ्रेटेंड विथ एक्सटेंशन हम लोग को देखने को मिलता है, आर कंसिडर्ड टू बी थ्रेटेंड विथ एक्सटेंशन, तो ये वाली चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है कि वो थ्रेटेंड है वो स्पीशीज और उसके लुप्त होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। अभी न्यूज़ में हम लोग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि गाइज इसने कुछ स्पीशीज को जो है वो अपनी IUCN की रेड लिस्ट में डाला है, वो चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस जो है गाइज वो हम्प बैक्ड मशीर को मिला है। आप देख सकते हैं ये फिश जो है इसका नाम है हम्प बैक्ड मशीर। तो ये फिश कहाँ पाई जाती है, तो गाइज ये फिश पाई जाती है लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ये हम लोग को देखने को मिलती है जो कि कावेरी रिवर बेसिन पर पाई जाती है और इसमें केरला की कुछ नदी है पाम्बर काबिनी भवानी, तो इन नदियों पर ये मछली जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है। इसका नाम है हम्प बैक्ड मशीर। तो गाइज ये देखिए 4 लोग इस मछली को पकड़ो हैं, तो सोचिए मछली जो है वो कितनी बड़ी है। तो इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस जो है इसको प्रोवाइड किया गया है, यानी कि स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। इसके अलावा 5 और स्पीसीज हैं गाइज जिसको थ्रेटेंड कैटेगरी में डाला है, जैसे कि 2 वाइल्ड ऑर्चिड्स, ये इस प्रकार के ऑर्चिड्स होते हैं गाइज, तो प्लांट स्पीसीज, तो इनमें से 2 वाइल्ड ऑर्चिड्स को डाला है। और अरेबियन स्कैड एक मरीन फिश है गाइज, ये अरेबियन स्कैड, इसको भी यहाँ पर जो है वो डाला है।
इसमें IUCN की रेड लिस्ट में एंटर किया है, और दो वाइल्ड कॉफी स्पीशीज भी मौजूद है यहाँ पर जो कि कुछ वेस्टर्न घाट्स में भी लोकेटेड है, तो वाइल्ड कॉफी की स्पीशीज भी मौजूद है। तो ये कुछ स्पीशीज को जो है इसने अपनी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस प्रोवाइड किया है, और कुछ स्पीशीज को IUCN की रेड लिस्ट में डाला है, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, तो थ्रेटेंड कैटेगरी में ये कुछ स्पीशीज आ रही है जो कि आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ओके, सो दिस इज द ओवरऑल टॉपिक गाइस अबाउट IUCN। आई होप आपको पूरी चीज इससे रिलेटेड क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों अब इस न्यूज़ की बात करते हैं, तो दोस्तों टेरर फाइनेंसिंग और टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिल रही है उसके लिए गवर्नमेंट ने मल्टी डिसिप्लिनरी टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप को सेटअप किया है। तो दोस्तों टेरर फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि कई सारे लोग जो है वो टेररिस्ट को फंड प्रोवाइड कराते हैं, उनको वेपन्स खरीदने के लिए जो है वो सहायता देते हैं, स्पेशली पाकिस्तान की तरफ से हम लोग को टेरर फाइनेंसिंग देखने को मिलती है। तो ऐसी चीज को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए और टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज यानी कि टेररिस्ट की एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए जो है ये एक बॉडी जो है वो सेटअप करी है गवर्नमेंट ने, जिसका नाम है मल्टी डिसिप्लिनरी टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप। टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप नाम से ही समझ में आ रहा है, ये टेरर को मॉनिटर करेगी, टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज को मॉनिटर करेगी, और इसका स्पेशल फोकस रहेगा टेरर फाइनेंसिंग को जो है वो खत्म करने पर, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, तो इसके खिलाफ जो है ये अथॉरिटी जो है ये एक्शन लेगी। काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो है वो कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तो जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस इसमें होगी क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पर ये जो अथॉरिटी जो है ये काम करेगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो होगी इसमें, IB, CBI होगी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, NIA हम लोग को देखने को मिलेगी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इसमें मौजूद होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों मौजूद है, क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग की बात की जा रही है यहाँ पर, राइट। तो ये ओवरऑल चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही हैं, तो ये रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो इस ग्रुप में मौजूद होंगे जो कि टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ को खत्म करने पर फोकस करेंगे, और टेरर फाइनेंसिंग पर इसका मेजर फोकस है। तो इसमें गाइस क्या क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस हम लोग को देखने को मिलेंगे, टू टेक कोऑर्डिनेटेड एक्शन इन ऑल रजिस्टर्ड केसेस दैट रिलेट टू टेरर, टेरर फाइनेंसिंग एंड टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज। मैंने भी आपको बताया कि ये पूरी चीज जो है उस पर कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज में, टेररिस्ट फाइनेंसिंग वगैरह में। आइडेंटिफाई ऑल द की पर्संस इंक्लूडिंग द लीडर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स होते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स वगैरह, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा इस अथॉरिटी के द्वारा, और जो कि टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं जो लोग, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन्वेस्टिगेट नेटवर्क्स फॉर वेरियस चैनल्स बीइंग यूज्ड टू फंड टेरर एंड टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ सच फंड्स। बेसिकली इसमें फोकस किया जाएगा ऐसे चैनल को, ऐसे नेटवर्क को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा जो चैनल जो नेटवर्क जो है वो टेररिस्ट को फंडिंग प्रोवाइड कराता है, और उसके बाद फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गाइज आज की डेट में इसकी जरूरत हम लोग को इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि पाकिस्तान के जो टेरर ग्रुप्स हैं जो कि टेररिज्म फाइनेंस करते हैं गाइज जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो मिलिटेंट्स वगैरह को जो है वो फंडिंग प्रोवाइड कराते हैं, सपोर्ट करते हैं कश्मीर में जो टेररिस्ट वगैरह जो है उन लोगों को, पैसा देते हैं वेपन्स खरीदने के लिए, पूरी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो फंडिंग हम लोग को देखने को मिलती है गाइज, ये करीब मिलियन डॉलर्स की फंडिंग यहाँ पर मिलती है, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो जनरेट करते हैं। और ये कैसे जनरेट करते हैं गाइज, तो यहाँ पर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर जो है ये पैसा वहाँ के लोगों से लेते हैं, पाकिस्तान के लोगों से, यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है ये पाकिस्तान से लोगों से डोनेशन मांगते हैं चैरिटी के नाम पर, और इस डोनेशन का गलत उपयोग करते हैं, इसको टेररिज्म के लिए जो है वो फाइनेंस करते हैं, टेररिज्म एक्टिविटीज़ के लिए ये डोनेशन जो है वो दे देते हैं। यानी कि वहाँ के लोगों को जो है बताया जाता है कि ये चैरिटी पर्पज़ के लिए दिया जा रहा है, बट अल्टीमेटली जो ये पैसा जो होता है चैरिटी के नाम पर ये टेररिस्ट फंडिंग के लिए दे दिया जाता है। तो ये वाली चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है गाइस इस डोनेशन के थ्रू कलेक्ट किए जाते हैं सोशल सर्विस के नाम पर, कि ये सोशल सर्विस करेंगे बट ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है वो करते हैं, टेररिस्ट वगैरह को पैसे देते हैं, सपोर्ट करते हैं मिलिटेंट्स को। तो जम्मू एंड कश्मीर में ऐसी कई सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। हम लोग को पता है जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं उनको भड़काया जा रहा है इंडिया के खिलाफ, वहाँ के जो मिलिटेंट्स वगैरह हैं उनको बेसिकली इंडिया के खिलाफ किया जा रहा है कि वो जो है वो इंडिया के खिलाफ हो और फिर वहाँ पर जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर सकें, क्योंकि पुलवामा अटैक में ये सब रिपोर्ट्स हम लोगों ने पढ़ी थी। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जम्मू एंड कश्मीर में कैसी स्थिति डेवलप हो रही है, सो उसी से रिलेटेड था और इसी से रिलेटेड ये ग्रुप जो है वो तैयार किया गया है, राइट। दोस्तों इस न्यूज़ में बात की जा रही है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2019 के बारे में। तो स्काई ट्रैक्स क्या है, तो गाइज स्काई ट्रैक्स एक यूनाइटेड किंगडम की कंसल्टेंसी फर्म हम लोग को देखने को मिलती है जो कि एक एयरलाइन एंड एयरपोर्ट रिव्यू और रैंकिंग साइट जो है वो उसको ऑपरेट करती है, और उसी रैंकिंग साइट जो होती है वो हम लोग को देखने को मिलता है वहाँ पर जो एयरपोर्ट्स के
जो कस्टमर्स वगैरह होते हैं पूरी दुनिया भर के एयरपोर्ट्स के कस्टमर, तो उनके बीच में सर्वे होता है, उनके सेटिस्फैक्शन सर्वे हम लोग को देखने को मिलता है कि एयरपोर्ट पे कस्टमर जो है वो कितने सेटिस्फाइड हैं, और उन कस्टमर के वोट्स के ऊपर आधारित जो है ये रैंकिंग रिलीज करती है अपनी वेबसाइट पर, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। तो स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स ने बेस्ट 100 एयरपोर्ट जो है गाइस पूरी दुनिया भर के उसको लिस्ट किया है, जिसमें से बताया जा रहा है कि सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट जो है वो बेस्ट एयरपोर्ट बताया जा रहा है पूरी दुनिया भर का। और बताया ये जा रहा है कि लगातार 7 सालों से सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट जो है वो टॉप पोजीशन पे है, लगातार 7 सालों से। और सेकेंडली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI एयरपोर्ट जो है हमारा न्यू दिल्ली में, तो उसकी रैंक आई है 59। तो ये वाली चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, याद रखिएगा स्काईट्रैक से रिलेटेड जो है वो आई डोंट थिंक UPSC से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगी, बट हाँ दूसरे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। दोस्तों अब इस न्यूज़ की बात करते हैं, तो वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन जो है वो हम लोग को तैशी गैंग देखने को मिल रहा है। तैशी गैंग ये पोलिंग स्टेशन यानी कि यहाँ पर वोटिंग वगैरह जो होती है, तो दुनिया का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन इंडिया में है गाइस, एक छोटा सा हिमाचल प्रदेश में ये विलेज है तो तैशी गैंग नाम का, ये जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। 15,256 फीट की एल्टीट्यूड पर ये लोकेटेड है, लाहौल स्पीति जो है वहाँ पर ये लोकेटेड है, और मंडी लोकसभा सीट जो है जो कि सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है इंडिया की, उसका ये एक पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है ये पोलिंग स्टेशन। याद रखिएगा अगर पूछा जाए एग्जामिनेशन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन जो है वो बन गया है तैशी गैंग, इसको हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन का स्टेटस मिल गया है, तो डेफिनेटली UPSC पूछ सकती है इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन, और इवन स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जो है स्टेट PSC वगैरह वो डेफिनेटली इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछेंगे। दोस्तों इस न्यूज़ की बात करें तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के कोर्ट को कि अब वो किसी भी अक्यूज्ड विक्टिम्स और विटनेस की प्रोसीडिंग के दौरान उसकी कास्ट को मेंशन नहीं करेंगे। अभी तक जो है गाइस वो कास्ट को मेंशन किया जाता था, बट अब जो है बोला है कि कास्ट जो है उसको मेंशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही इलॉजिकल और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फंडामेंटल नेचर है, जो सिद्धांत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके खिलाफ है। तो इसलिए बताया गया है कि अब जो है वो किसी भी पर्टिकुलर अक्यूज विक्टिम या विटनेस का प्रोसीडिंग के दौरान कास्ट यूज नहीं किया जाएगा, राइट। दोस्तों अब एक टर्म को हम लोग डिस्कस करेंगे, हिकिको मोरी, इस टर्म का नाम है हिकिको मोरी, एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है ये, जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फोटो में एक इंसान जो है वो काफ़ी डिप्रेस नजर आ रहा है, अपने आप को जो है इसने कमरे में बंद किया हुआ है। तो और देखिए सब सामान यहाँ पर खाने का भी सामान मौजूद है और ये पूरा सामान वामान बिखरा पड़ा हुआ है, देख के ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिनों से जो है ये बंदा जो है अपने आप को इस कमरे में बंद किया हुआ है। तो गाइज़ ये जो साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें जो लोग बाग हैं अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, सोसाइटी से दूर कर लेते हैं महीनों के लिए, बहुत बहुत महीनों के लिए हम लोग को देखने को मिलता है, तो इस प्रकार की साइकोलॉजिकल कंडीशन को हिकिको मोरी जो है वो बोला जाता है। इस कंडीशन में इंसान जो है वो घर से बाहर नहीं निकलता है, अपने आप को लॉक कर लेता है कमरे में, बंद हो जाता है और वहीं पर पूरी चीज़ जो है वो अपने हिसाब से करता रहता है, खाना पीना और जो भी उसको मन करे वो करता है या फिर नहीं करता। तो इस प्रकार की डिप्रेसिंग स्टेट जो होती है वो हिकिको मोरी नाम की हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये चीज़ थोड़ी पूछी जा सकती है आपसे, तो थोड़ी ध्यान में रखिएगा। जापान की अगर बात करें तो जापान में करीब 5 लाख से ज़्यादा लोग हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि इस कंडीशन से जूझ रहे हैं हिकिको मोरी जापान में। और फ्रेंड्स यहाँ पर पहले के समय पे ये बताया जाता था कि सिर्फ युवा जो है यंग जो है गाइस उन्हीं को ये साइकोलॉजिकल कंडीशन डेवलप होती है, उन्हीं में ये वाली चीज़ जो है वो देखने को मिलती है, बट आज की डेट में देखने को मिल रहा है कि ओल्डर पीपल में भी यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें भी ये वाली कंडीशन जो है वो डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। तो ये वाली चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि अपने आप को बहुत लंबे समय के लिए लॉक कर लेते हैं एक कमरे में। दोस्तों अब इस न्यूज़ को डिस्कस करते हैं, तो देखिए 4 इंडिजीनियस धनुष हॉइट्जर गन्स जो हैं वो इंडियन आर्मी में इंडक्ट कर लिए गए हैं, इंडियन आर्मी में शामिल हो गए हैं ये ऐसे 4 धनुष हॉइट्जर गन, ये आप देख सकते हैं गाइस। तो ये धनुष लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन हम लोग को देखने को मिल रही है, काफ़ी बड़ी ये गन है गाइस, इंडिजीनियसली मेड है, खुद के इंडिया के खुद के द्वारा बनाई गई ये गन हम लोग को दिखाई दे रही है। ये पहली इंडिजीनियसली 155 mm इंटू 45 कैलिबर लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन हम लोग को देखने को मिल रही है, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन है, 155 इंटू 45 कैलिबर की ये गन देखने को मिल रही है। दोस्तों इसमें इनर्शियल नेविगेशन बेस्ड साइटिंग सिस्टम मौजूद है, ऑटो लिंक फैसिलिटी है, ऑनबोर्ड बैलिस्टिक कंप्यूटेशन है, एडवांस डे और नाइट डायरेक्ट फायरिंग सिस्टम है, तो काफ़ी एडवांस जो है ये गन हम लोग को देखने को मिल रही है आर्टिलरी गन, जिसका नाम है धनुष हॉइट्जर। दोस्तों ये इम्प्रोवाइज्ड वर्जन हम लोग को बोफोर्स गन का देखने को मिल रहा है, बोफोर्स गन काफ़ी चर्चा में भी थी ये बोफोर्स गन स्कैम के मामले में, हम लोग को बोफोर्स का केस देखने को मिला था, राइट। और इंडिया
ने जो है गाइस बोफोर्स गन को एक्वायर किया था 1987 और 1991 के समय पे, और इसी समय गाइस बोफोर्स मामले में अमिताभ बच्चन जी जो है उनको भी वो भी फंस गए थे एक तरह से, लोग उनके ऊपर भी शक कर रहे थे बोफोर्स के मामले में, राइट. और उसके चलते अमिताभ बच्चन जी ने भी एक टाइम पर इलेक्शन लड़ा था तो वो इलेक्शन भी हार गए थे, बहुत बुरी तरह से हारे थे वो, उनका क्रेज़ जो है वो लोगों के बीच में ख़त्म हो गया था इस बोफोर्स के चलते, बोफोर्स स्कैम के चलते, है ना. तो ये वाली चीज़ हम लोग को देखने को मिली. तो ये एक इम्प्रोवाइज वर्जन है बोफोर्स गन का जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, और इसकी स्ट्राइक रेंज की अगर बात करें तो 38 किलोमीटर तक की इसकी स्ट्राइक रेंज हम लोग को देखने को मिल रही है. मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज स्ट्राइक रेंज जो है वो 38 किलोमीटर तक की है. तो याद रखिएगा धनुष हॉइट्जर जो है वो एक लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि खुद की इंडिया के द्वारा बनाई गई है. 4 आर्टिलरी इन गन्स को जो है वो इंडियन आर्मी में शामिल कर लिया गया है. दोस्तों इस न्यूज़ की बात करते हैं, देखिए हम लोगों ने सैटरडे को मिशन शक्ति के बारे में डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि मिशन शक्ति जो कि एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किया गया था इंडिया के द्वारा, और जिसके चलते हम लोगों ने एक सैटेलाइट को ब्लास्ट किया था, इंडिया की खुद की सैटेलाइट को ब्लास्ट किया था. कौन सी सैटेलाइट को ब्लास्ट किया था? तो माइक्रोसेट आर को हमने ब्लास्ट किया था, राइट, शूट किया था. इमेजिंग सैटेलाइट थी वो, जो कि जनवरी 2019 में जिसको लॉन्च किया था इसरो ने, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को यूज़ करते हुए माइक्रोसेट आर को लॉन्च किया था. माइक्रोसेट आर को हम लोगों ने गाइस 300 किलोमीटर पर जो है वो ब्लास्ट किया था मिशन शक्ति के थ्रू. इस सैटेलाइट को जो है वो हम लोगों ने शूट किया था 300 किलोमीटर की रेंज पर थी ये सैटेलाइट, और वहां पर हम लोगों ने इसको शूट किया था, राइट. तो ये सैटेलाइट जो है गाइस, अब इसके शूट होने के बाद हम लोग को देखने को मिला कि वहां पर डेब्रिस यानी कि मलबा, इस सैटेलाइट का मलबा जो है वो फैल गया है. तो ऑफिशियल्स के द्वारा ये बताया जा रहा है कि इस जो मिशन के थ्रू जो स्पेस में जो मलबा फैला है सैटेलाइट का, वो 45 दिनों के अंदर अंदर जो है वो जल के नीचे आ जाएगा, धरती पर जो है वो गिर जाएगा ये मलबा. तो ये वाली बात बताई जा रही है. इसमें लो अर्थ ऑर्बिट पर ये टेस्ट कंडक्ट जो किया था हम लोगों ने, तो बताया गया है कि ये स्पेस जो है गाइज उसको खराब नहीं करेगा, स्पेस के लिए रिस्की नहीं होगा ये मलबा. ये कुछ समय के बाद नीचे जो है वो आ जाएगा, धरती पर गिर जाएगा. 45 दिन का समय बताया है ऑफिशियल्स ने कि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आएगा, जलेगा और नीचे जो है वो गिर जाएगा. ये वाली चीज़ हम लोग को बताई देखने को मिल रही है. तो गाइज कंसर्न क्या है स्पेस में, ये ऐसा कंसर्न क्यों हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्यों बताया जा रहा है कि ये मलबा जो है सैटेलाइट का वो नुकसानदायक हो सकता है. तो गाइज ये जो सैटेलाइट जब ब्लास्ट हुई तो उसमें से कई सारे पार्ट्स निकले सैटेलाइट के, राइट, टूट के निकले पार्ट्स. तो ये जो होते हैं गाइज इसको स्पेस डेब्रिस बोला जाता है. ये मलबा जो होता है स्पेस में इसको स्पेस डेब्रिस, स्पेस का मलबा बोला जाता है. जहां पर जितनी भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है गाइज वो जब खराब हो जाती है, यानी कि डेड सैटेलाइट होती है, वो गुजरती रहती है वहां पर, और या फिर यहाँ पर रॉकेट मोटर्स वगैरह होते हैं, नट्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, टूटे हुए हिस्से हम लोग को देखने को मिलते हैं सैटेलाइट्स वगैरह के. तो स्पेस में गाइज ये जो होते हैं ये मोशन में हम लोग को देखने को मिलते हैं, क्योंकि स्पेस में आप जानते हैं कि वहाँ पर जो है वो तैरती रहती हैं चीज़ें, तो ये तैरते रहते हैं स्पेस में. अब इस समय घटना कुछ ऐसी हो सकती है कि ये किसी एक्टिव सैटेलाइट के साथ भी जाकर कोलाइड हो सकते हैं, जो कि एक पॉसिबल रिस्क हम लोग को देखने को मिलता है कोलिजन का, कोलाइड होने का स्पेस में, है ना. हो सकता है कि ये जो सैटेलाइट है जिसको हमने ब्लास्ट किया उसके जो पार्ट्स जो बिखरे हैं, NORAD जो कि नॉर्थ अमेरिका एरोस्पेस डिफेंस कमांड है, इसने बताया है कि जो इंडिया ने जिस सैटेलाइट को ब्लास्ट किया है माइक्रोसेट आर को, उसके करीब 270 पीसेस जो है वो स्पेस पे हैंग हो रहे हैं, तैर रहे हैं स्पेस पे, 270 पीसेस उसके. अब ये 270 पीसेस गाइज ये खतरा हो सकते हैं दूसरी सैटेलाइट्स के लिए, दूसरी सैटेलाइट से जाकर टकरा सकते हैं. बट हमारे यहाँ ऑफिशियल्स ने ये बताया कि हमने लो अर्थ ऑर्बिट पर ये टेस्ट इसलिए कंडक्ट किया है जिसके चलते कि कुछ समय के बाद ये जो डेब्रिस हैं, ये जो मलबा है स्पेस में सैटेलाइट का, ये धरती के एनवायरमेंट में आए, धरती के एटमोसफियर में आए, और उसके बाद ये जल कर जो है वो नीचे गिर जाए. तो इसलिए ये कंडक्ट किया जाता है लो अर्थ ऑर्बिट में, इसलिए ऊपर कंडक्ट नहीं किया गया. आउटर स्पेस की अगर बात करें हम लोग तो वहाँ पर इसलिए कंडक्ट नहीं किया गया क्योंकि वहाँ पर अगर कंडक्ट किया जाता तो पॉसिबल रिस्क होता कि वो मलबा जो है वो तैरता रहता, जो कि आज की डेट में हजारों की मात्रा में हम लोग को देखने को मिलता है गाइस मलबा मौजूद है, जो कि काफ़ी रिस्की है एक्टिव सैटेलाइट्स के लिए. एक्टिव सैटेलाइट्स को के साथ टकरा कर उस सैटेलाइट को खराब कर सकता है, पार्शियली खराब कर सकता है या कंप्लीटली खराब कर सकता है सैटेलाइट को. तो ये भी एक नुकसान है बहुत बड़ा मलबा, राइट. तो स्पेस डेब्रिस से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है मेंस वगैरह में भी, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि स्पेस डेब्रिस जो है वो स्पेस के लिए क्यों खतरा है. दोस्तों इस न्यूज़ की बात करें, देखिए लॉन्गेस्ट सॉल्ट केव हम लोग को इसराइल में देखने को मिल रही है. ये दुनिया की लॉन्गेस्ट सॉल्ट केव है ये गाइज इसराइल में, याद रखिएगा. डेड सी के पास ये केव जो है वो नज़र आ रही है, और पहले जो थी वो लॉन्गेस्ट केव जो थी वो ईरान की थी गाइज, ईरान में हम लोग को देखने को मिलती थी, जिस केव का नाम था केव ऑफ द थ्री न्यूड्स ऑफ क्यूशम आइलैंड. तो ये ईरान की हम लोग को केव देखने को मिलती थी जो कि लॉन्गेस्ट केव थी पूरी दुनिया भर की, और अब जो है लॉन्गेस्ट केव पूरी दुनिया भर की हम लोग को इसराइल में देखने को मिल रही है.
ये सॉल्ट केव है गाइज, लॉन्गेस्ट सॉल्ट सॉल्ट केव। ईरान की जो केव थी गाइज, इस केव जिसके बारे में मैंने भी बात करी, ये 6.4 किलोमीटर की थी। और अभी जो ये केव इसराइल में हम लोग को देखने को मिल रही है पूरी दुनिया भर की लॉन्गेस्ट केव, ये 10 किलोमीटर लंबी केव है ये, राइट। मलहम सॉल्ट केव जो है गाइज, जिसका इसका नाम है बेसिकली, इस केव का नाम मलहम सॉल्ट केव, 170 मीटर जो है वो बिलो है सी लेवल के, 170 मीटर बिलो डेड सी के साउथ वेस्टर्न टिप पर ये केव जो है वो मौजूद हम लोग को देखने को मिलती है। यहां पर बात करें गाइस तो दुनिया भर की पहली ऐसी केव ये डिस्कवर हुई है जो कि डबल डिजिट की लेंथ पर है, डबल डिजिट की लेंथ यानी कि लंबी जो है केव, गहराई जो है इस केव की, गुफा जो है ये 10 किलोमीटर लंबी है, लॉन्गेस्ट गुफा हम लोग को देखने को मिल रही है पूरी दुनिया भर की। मलहम सॉल्ट केव इसका जो नाम है गाइस, याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ये एक रिवर केव हम लोग को देखने को मिल रही है, पानी जो है गाइस वो जब बहता हुआ नीचे जाता है अंडरग्राउंड पे जाता है और वहां पर जाकर गाइस सॉल्ट डिसॉल्व करने लगता है, यानी कि सॉल्ट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, पानी जो होता है डेड सी जो है उसका पानी जब नीचे अंडरग्राउंड जा रहा है तो हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसी समय उसके पानी की वजह से जो है ये केव जो है वो बन गई है, वहां पर जाकर ये पानी डिसॉल्व होने लगता है और डिसॉल्व होने के बाद वहां पर सॉल्ट इस पानी ने क्रिएट कर दिया, तो इस प्रकार की ये सॉल्ट टाइप की गुफा जो है वो क्रिएट हो गई है, राइट। तो ये वाली चीज बताई जा रही है। तो ये हालांकि आपको इसका नाम याद रखना है, मलहम सॉल्ट केव का नाम, और ये कहां पर है, डेड सी के सदर्न वेस्ट टिप पर हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इसकी एक बार मैप में लोकेशन देख लेते हैं कि कहां पर ये डेड सी है, क्योंकि डेड सी से रिलेटेड भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। प्यारा हमारा इंडिया दिखाई दे रहा है, इसके अगर वेस्टर्न साइड पे जाएं हम लोग तो ये पाकिस्तान ईरान इराक होते हुए हम लोग इस लोकेशन पर पहुंचेंगे सऊदी अरेबिया के ऊपर। यहां पर ये जो जॉर्डन है उसके साइड में आपको जो इसराइल दिखाई दे रहा है, तो इसमें ये वाली जो लोकेशन है ना पिन पॉइंट लोकेशन, तो ये है डेड सी की लोकेशन। अक्सर एग्जामिनेशन पूछा जाता है कि डेड सी जो है वो किस कंट्री के आसपास है, तो देख लीजिए जॉर्डन इसराइल हम लोग को देखने को मिल रहा है, उस तरफ आगे देखेंगे जेरूसलम हम लोग को दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये सब ये कंट्री जो है गाइस इनके आसपास जो है ये डेड सी हम लोग को दिखाई दे, ये दिख रही है आपको छोटी सी जहां पर पॉइंट लोकेटेड है, तो ये है डेड सी, डेड सी ये पूरी डेड सी है। इसमें सदर्न टिप में हम लोग को, सदर्न वेस्टर्न टिप में ये यहां पर कहीं पर ये गुफा मौजूद है इसराइल में, ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन है इस गुफा की, इस तरफ कहीं पर हम लोग को ये दिखेगी। लॉन्गेस्ट केव है ये पूरी दुनिया भर की गाइस, 10 किलोमीटर की केव हम लोग को देखने को मिल रही है। और इसी के साथ हमारा पूरा टॉपिक खत्म होता है करंट अफेयर्स का। एमसीक्यू को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा। देखिए मुझे जो कमेंट्स आए थे अभी कुछ दिनों पहले, उसमें लिखा गया था कि आप फालतू की बातें ज़्यादा बोलते हो, लेक्चर जो है वो बड़ा करने के चक्कर में बहुत कुछ चीज़ें बता रहे हो फालतू का जो कि काम का नहीं है। तो गाइस देखिए आप मुझे एक चीज़ बताइए कि मैं सिर्फ टॉपिक से हट कर जो है वो आपको क्या बताता हूँ, पूरी चीज़ें जब भी कोई टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आई वॉन्ट कि आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो, इसलिए मैं पूरी चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और नहीं तो फिर मुझे लेक्चर को लंबे करने में क्या जा रहा है, मेरा तो टाइम ही स्पेंड हो रहा है ना। मैं अगर चाहूँ तो आपको शॉर्ट फॉर्म में पूरे लेक्चर को निपटा दूँ, मेरे लिए फ़ायदा होगा। मैं क्यों इतना डिटेल वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि ज्ञान सर चाहते हैं कि ये वाला वीडियो जो है वो प्रॉपर उन बच्चों को मिले, उन एस्पिरेंट्स को मिले जो कि वाकई में गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, और स्पेशली यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जाना जाता है। और यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज आपसे बेसिक चीज़ें नहीं पूछेगा, आपको डीप में थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपके कंसेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। तो ये बेसिकली मैं आपको इसकी बात बताता हूँ, इस पूरे जो वीडियोज बन रहे हैं अभी सीरीज वाइज जो वीडियोज चल रहे हैं करंट अफेयर्स के, गाइज स्टार्टिंग में ये वीडियो पे यही फोकस किया गया था कि ये सिर्फ हमारे पेड ग्रुप मेंबर्स के लिए ही अवेलेबल होंगे, बट ज्ञान सर ने बोला कि नहीं, सिर्फ इसको हम लोग फ्री में सभी लोग को प्रोवाइड कराएंगे। और एक्चुअली पता होता ये है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको फ्री में जो चीज़ें मिलती हैं उनको कदर नहीं होती है, क्योंकि ये जो डिटेल वीडियो जो बन रहा है इसमें तो ऑब्वियसली मैं जो अपने इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूं, अगर मैं शॉर्ट वीडियो आपको बना के दे दूं तो मेरा ही टाइम बचेगा, मेरा क्या जाएगा, राइट। बट देन टू कुछ लोग बोलते हैं कि अरे नहीं बेजबरन की बातें बोलते हो आप, वीडियो को लंबा करते हो। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि मैंने कब बेजबरन की बातें बोली टॉपिक से हटकर, या कुछ मैंने अपने पर्सनल वाले में बताया, या फिर मैंने अपने पर्सनल मोटिव के बारे में कुछ बात करी। मैंने तो पूरी चीज़ टॉपिक के बारे में बताता हूँ मैं आपको, उसके अलावा तो मैं कुछ बोलता ही नहीं उस वीडियो में, इवन मैं अपना नाम तक नहीं लेता उसमें भी, टाइम वेस्ट नहीं करता मैं आपका, जो कई सारे लोग करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जैसे कि स्टार्टिंग के कुछ एक मिनट मैं लेता हूँ आप लोग के, मतलब हमारे स्टडी ग्रुप्स के बारे में बताने के लिए आपको, बाकी उसके अलावा कहीं पर कोई टाइम स्पेंड नहीं होता, पूरी टॉपिक के बारे में बातें बोली जाती है। इसमें भी कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं आप वीडियो को लंबा कर देते हो, तो गाइस प्लीज़ मुझे स्पेसिफिकली बताइए कि वीडियो, फिर आप बताइए कि लास्ट टाइम भी हुआ था कि जब मैं वीडियो को लंबा कर रहा था, मतलब खुद से तो नहीं कर रहा था, मैं डिटेल वीडियो बताता हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था कि क्या आप लगा, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वीडियो को शॉर्ट बनाऊँ तो उस हिसाब से बताओ आप कमेंट बॉक्स पर लिख कर, या आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। बट यूपीएससी और स्टेट सर्विस बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं जाना जाता, या तो आप ऐसा बोलो, या तो यहाँ पर फ्री फिर उन लोग के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन वालों के लिए कर देंगे फ्री वीडियोस, और बाकी सिर्फ हमारे पेड ग्रुप वालों के लिए डिटेल वीडियो करेंगे फिर। अब अगर आप ऐसा डिफ्रेंसिएशन चाह रहे हैं तो आप बता दीजिए प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। दोस्तों कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो सबसे पहले तो उन 5 क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको बताऊंगा जो मैंने आपसे कल पूछे थे।
तो गाइज INS कदमात के बारे में बात की जा रही थी. तो गाइज INS कदमात जो है इसमें पूछा गया था कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इनके रिगार्डिंग. तो पहली चीज तो मैं आप लोग को बता दूं गाइज कि ये न्यूज में हम लोग को क्यों देखने को मिला है INS कदमात. तो अभी रिसेंटली लंकावी जो एक्सरसाइज हम लोग को मलेशिया में देखने को मिली थी गाइज, वहां पर लंकावी 2019, तो वहां पर INS कदमात जो है गाइज वो वहां पर गया हुआ था इंडिया की तरफ से. ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी राइट. तो इसलिए INS कदमात के बारे में आपको पता होना जरूरी है. तो पहले स्टेटमेंट में लिखा है INS कदमात इज एन इंडिजीनियस स्टेल्थ एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट. तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट हम लोग को देखने को मिलती है. तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. INS कदमात की और थोड़ी सी डिटेल में अगर आपको बात करनी है तो गाइज ये 2016 में इंडियन नेवी में इसको इंडक्ट किया गया था 2016 में INS कदमात को. नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा है इट इज नेम्ड आफ्टर वन ऑफ द लार्ज आइलैंड्स अमंग द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. तो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड का एक आइलैंड है गाइज, काफी बड़ा आइलैंड है, उसका नाम है कदमात. तो उसी के नाम पर ये INS कदमात जो है ये नाम रखा है इस हमारी इंडियन नेवल एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट का. तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है राइट. तो दोनों स्टेटमेंट इनमें से बिल्कुल करेक्ट है, बोथ वन एंड टू. नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई थी मिशन शक्ति के बारे में, मिशन शक्ति एंटी सैटेलाइट के बारे में, जो अभी रिसेंटली मिसाइल टेस्ट हम लोग को देखने को मिला है. तो उससे रिलेटेड पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो गाइज दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है. पहले स्टेटमेंट क्योंकि लिखा है कि ओनली यूनाइटेड स्टेट्स रशिया एंड इसराइल हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दिस कैपेसिटी टिल नाउ, कि अभी तक सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया और इसराइल के पास ये टेक्नोलॉजी है, ये वाली बात इसमें लिखी हुई थी. बट ऐसा नहीं है गाइज, इसराइल के पास ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, चाइना के पास ये हम लोग को देखने को मिलती है. एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो है ये हम लोग को चाइना रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के पास देखने को मिलती है, और अब जो है वो इंडिया के पास भी ये कैपेबिलिटी हम लोग को देखने को मिल रही है. तो गाइज यहाँ पर इसराइल का नाम लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि इसराइल जो है इसने अपना टेस्ट अभी कंडक्ट नहीं किया है. इसराइल के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल है बट इसके इसने अभी तक अपना टेस्ट कंडक्ट नहीं किया है, इसीलिए ये इस कैटेगरी में नहीं आ रहा है कि उन कंट्रीज की कैटेगरी में नहीं आ रहा है जिन कंट्रीज के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल है. अभी ये जब ये टेस्ट करेगा तो हो सकता है कि ये आ जाए, बट अभी तक इसने अपना टेस्ट जो है वो कंडक्ट नहीं किया. बट हाँ, इसके पास टेक्नोलॉजी है. अगर स्टेटमेंट में पूछा जाए कि इसराइल के पास जो है वो टेक्नोलॉजी है बट अभी तक उसने टेस्ट कंडक्ट नहीं किया है, तो आप लोग को वो स्टेटमेंट करेक्ट लिखना है. ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है द सैटेलाइट इज मेड इन इंडिया बाय DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद रशिया. तो गाइस ये भी स्टेटमेंट गलत है, हम लोगों ने काफी डिटेल में बात करी थी कि ये इंडिजीनियसली मेड सैटेलाइट हम लोग को देखने को मिल रही है, एंटी सैटेलाइट मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है. तो ये खुद का इंडिया के द्वारा बनाया गया मिशन है, इसमें हम लोगों ने किसी भी कंट्री से जो है वो हेल्प नहीं मांगी है, किसी भी कंट्री ने हमारी हेल्प नहीं करी है, ना ही हम लोगों ने किसी कंट्री की टेक्नोलॉजी का यूज किया है. पूरा फुल फ्लेज इंडिजीनियस ये टेस्ट कंडक्ट किया गया था, मिशन शक्ति एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट जो हमने देखा राइट. तो इन दोनों में से जो स्टेटमेंट जो थे गाइस दोनों इनकरेक्ट थे, इसका करेक्ट आंसर था डी. दोस्तों अब इस क्वेश्चन में पूछा गया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, पूछा गया था कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में. तो गाइस इनमें से सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है बिल्कुल, और फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. क्योंकि पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि यहां पर इस बॉन्ड को परचेज किया जा सकता है इंडियन सिटीजन और फॉरेनर्स दोनों के द्वारा. तो गाइज ऐसा नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के द्वारा ही परचेज किया जा सकता है. सेकंड स्टेटमेंट लिखा है कि ये वाला जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है ये 1,000, 10,000, 10 लाख या 1 करोड़ के मल्टीपल में जो है वो परचेज किया जा सकता है. तो बिल्कुल सही है. तो ये 10,000, 1,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के मल्टीपल्स में जो है ये खरीदा जा सकता है ये वाला बॉन्ड. और फ्रेंड्स इसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग जानिए इसके बारे में. पहली तो एक लौती ये चीज़ है, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड है तो नाम से ही समझ में आ रहा है गाइस कि इलेक्शन प्रोसेस के लिए ये कुछ बॉन्ड वगैरह हम लोग को देखने को मिल रहा है. पैसे की बात की जा रही तो अल्टीमेटली डायरेक्टली रिलेशन इसका फंडिंग से भी होता है. तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को ही ये पर्टिकुलर बॉन्ड जो है वो इशू किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, यानी कि आप डोनेशन के पर्पज पर इस बॉन्ड को खरीद के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ही दे सकते हैं, उसके अलावा आप किसी और को नहीं दे सकते, किसी इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को नहीं दे सकते. सिर्फ और सिर्फ ये बॉन्ड जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर जाता है. सेकेंडली और ये बॉन्ड का जो इनकैश होता है, यानी कि जैसे आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया, ये बॉन्ड परचेज किया राइट, और परचेज करने के बाद डोनेशन दिया आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को,
राइट, तो उस पॉलिटिकल पार्टी का जो बैंक अकाउंट होगा, जो एसोसिएटेड बैंक अकाउंट होगा, उसी से ही ये पैसा जो है वो निकाला जा सकता है सिर्फ. तो ये वाली चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली, आप इसको कहीं से भी नहीं खरीद सकते, यानी कि कहीं पर भी जो है वो ये अवेलेबल नहीं होता सिवाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है SBI की जो स्पेसिफाइड ब्रांचेज होंगी वहीं से आप इसको परचेज कर सकते हो, उसके अलावा और कहीं से नहीं कर सकते हो. दैट इज़ वन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप लोग को ध्यान में रखना है. और सेकेंडली, जो भी पर्टिकुलर इस मतलब इंडिविजुअल इस बॉन्ड को परचेज करेगा, जो भी परचेजर होगा, उसको बैंक के KYC फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही मतलब ये एलिजिबल होंगे इस बॉन्ड को परचेज करने के लिए. KYC नो योर कस्टमर फॉर्म्स वगैरह जो होते हैं गाइस, तो उनको कंप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आप इस बॉन्ड को परचेज कर सकते हैं. सेकेंडली, इसमें एक और चीज़ भी इंक्लूडेड है कि गाइस यहाँ पर इस बॉन्ड में पेई का नाम नहीं होता. पेई का नाम, पेई क्या होता है गाइस, जिसको आप पैसा दे रहे हो, तो पेई राइट, तो उसका यहाँ पर नाम मेंशन नहीं होता इस बॉन्ड में. कि आप इसका मतलब ये होता है कि आपने ये बॉन्ड परचेज कर लिया, परचेज करने के बाद आप अपनी मर्जी की अपनी इच्छा से किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो दे सकते हो. तो दैट इज़ वन इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है. और इस बॉन्ड की वैलिडिटी जो है वो 15 दिन की हम लोग को देखने को मिलती है, 15 डेज की राइट. तो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में हम लोग को इसलिए देखने को मिल रही थी गाइस, क्योंकि कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भारी अमाउंट में पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसा जो है वो पे कर रहे होते हैं राइट. और अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है गाइस, उसके हाथ में जब ये बॉन्ड आता है, और ऑब्वियस ही बात है कि जो गवर्नमेंट जब बनती है तो गाइस गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से पता लगा लेती है कि किस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट ने इतना ह्यूज अमाउंट मनी जो है वो डोनेट किया है, फिर उसका वो फेवर करने लगती है. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को आज की डेट में देखने को मिल रही है. इसका समाधान निकलने के लिए कुछ चीज़ें जो है गाइस वो लागू करने की बात की जा रही है, डिस्कशंस वगैरह हम लोग को देखने को मिल रहे हैं. तो इसलिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जामिनेशन के लिए हो जाता है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि फैक्ट्स जो है जो कि आप लोग को ध्यान में रखने हैं राइट, इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई थी आउटर स्पेस ट्रेटी के बारे में, तो इसके बारे में भी प्रीवियस ट्यूटोरियल में काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो दोनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना था. तो द ट्रेटी प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड अदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन आउटर स्पेस. तो बिल्कुल सही है गाइस, आउटर स्पेस ट्रेटी जो है वो प्रोहिबिट करती है न्यूक्लियर वेपन के यूज को और अदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन आउटर स्पेस. यस, तो इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो होता है आउटर स्पेस में उसको प्रोहिबिट किया जाता है, और जैसे बड़े वेपन्स हम लोग को देखने को मिलते हैं राइट. और इसके अलावा जो नॉर्मल दूसरे वेपन्स होते हैं उनको प्रोहिबिट नहीं किया जाता. इंडिया हैज साइंड आउट साइंड बट नॉट रेक्टिफाइड आउटर स्पेस ट्रेटी. तो गाइज ये गलत है, इंडिया ने साइन भी किया है और इस आउटर स्पेस ट्रेटी को रेक्टिफाई भी किया है. तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा ये होगा A4 का 1 only. इसके बारे में काफी डिटेल में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं. दोस्तों, इस क्वेश्चन में बात की जा रही है इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो गाइज पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि इट वॉज एस्टैब्लिश आफ्टर मुंबई टेरर अटैक इन 2008. तो 2008 में जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था गाइस, उसके बाद ये एस्टैब्लिश की गई थी. तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है गाइस, ये 1978 में एस्टैब्लिश हो चुकी थी. कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के थ्रू इसको एस्टैब्लिश किया गया था. सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें लिखा है कि द इंडियन कोस्ट गार्ड इज अ मल्टी मिशन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड विद सुपरिटेंडेंसी एंड पॉलिसिंग ऑफ इंडियाज मैरीटाइम एरियाज इंक्लूडिंग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. तो गाइज ये क्या करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, ये सुपरिटेंडेंस का काम करते हैं, मॉनिटरिंग का काम करते हैं हमारे मैरीटाइम एरियाज पे, हमारे जो समुद्री एरिया है गाइज, वहाँ से कहीं कोई इलीगल शिप तो एंटर नहीं हो रही है इंडिया में. तो ये सब चीज़ों पर निगरानी रखी जाती है, पॉलिसिंग की जाती है, यहाँ पर ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है. और इवन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर भी इनके द्वारा मॉनिटरिंग जो है वो की जाती है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा. तो सेकंड स्टेटमेंट इज टोटली करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट जो था वो इनकरेक्ट था. सो दीज आर द 5 questions गाइज, जिसके आंसर आप लोगों ने नीचे कमेंट बॉक्स पर दिए थे. अब मैं अनदर आपसे 5 questions पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना है. तो पहले क्वेश्चन में बात की जा रही है ऑक्सफैम इंटरनेशनल के बारे में, कि ऑक्सफैम इंटरनेशनल जो है वो क्या है, इससे रिलेटेड आप करेक्ट स्टेटमेंट बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के बारे में, NPPA के बारे में. तो काफी डिटेल में पहले हम लोग इसको डिस्कस भी कर चुके हैं, तो इससे रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट बताइए आप. थर्ड क्वेश्चन में बात की जा रही है मल्टी डिसिप्लिनरी टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप के बारे में. तो आज ही हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, ये कौन सा ग्रुप है, क्या काम करता है ये, तो इससे रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. फोर्थ क्वेश्चन में बात की जा रही है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, तो आप बताइए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो क्या है. हालांकि काफ़ी डिटेल में हम लोग प्रीवियस ट्यूटोरियल में आई थिंक इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोग ने डिस्कस किया था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में. फिफ्थ क्वेश्चन में बात की जा रही है अराकू वैली अरेबिका कॉफी के बारे में, तो आज ही हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया, तो इनसे रिलेटेड भी करेक्ट स्टेटमेंट आप बताइए. सो दीज आर द 5 questions गाइस, जिसके आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना है. फिर अगेन हम लोग कल काफी डिटेल में इसी प्रकार से जैसे आज हम लोग ने डिस्कस किए हैं पूरे हर एक क्वेश्चन को, वैसे ही हम लोग हर एक क्वेश्चन को कल भी डिस्कस करेंगे.
और गाइस आप लोग हमारे फ्री स्टडी ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी लिंक ये मौजूद है। टेलीग्राम के ये फ्री स्टडी ग्रुप्स हैं और जहाँ पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स और फ्री वीडियोस की अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। और इसके अलावा गाइस जो अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं करंट अफेयर्स का ऑल इन वन वीडियो, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ भी हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड कराते हैं, बट वो सिर्फ हमारे पेड कोर्सेज मेंबर्स के लिए ही अवेलेबल होती है। और पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके, कॉल करके या फिर इवन टेलीग्राम के थ्रू भी मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।